हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं टनल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। टनल प्रॉब्लम्स का मतलब कि अगर कि जैसे आपका कोई भी चार्ज स्फीयर है, ठीक है, मतलब वो आपका अगर मान लीजिए हॉलो है, सॉलिड है, या फिर आपका कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा हम लोग उस सारे को देखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज स्फीयर है, ठीक है, तो उसमें अगर टनल बना दिया जाए, ठीक है, बहुत छोटा सा पतला सा एकदम टनल बना दिया जाए, ठीक है, और कोई चार्ज पार्टिकल को उस टनल में रिलीज करा जाए, तो उससे कितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने वैरायटी के क्वेश्चंस पूछा गया है बेसिकली जेई वगैरह में, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे और सारे कंसेप्ट को हम लोग ढंग से समझेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे देखे हुए थे, ग्रेविटेशन क्लास 11th में टनल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। फर्दर टनल प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग देखेंगे कैविटी प्रॉब्लम्स में, ठीक है, कि कैविटी का क्वेश्चन कैसा कैसा बन सकता है, क्लियर है चीज। तो ध्यान दीजिए और समझिएगा टनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। टनल प्रॉब्लम टनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, टनल प्रॉब्लम्स ध्यान दीजिएगा इधर, टनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या बोले ना, सबसे पहला सवाल कि मान लीजिए हम क्या बोले, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है SNC, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है SNC है मान लीजिए, ठीक है। तो भाई हम लोग को पता है SNC होगा तो चार्ज पार्टिकल कहाँ पर रहा होगा, सारा चार्ज पार्टिकल इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, जैसा कि हम लोग स्फीयर्स में सब कुछ पढ़े हुए थे, क्लियर होगा आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। सारा चार्ज पार्टिकल कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में। अब इसके बीचों बीच ठीक है, डायमीटर से पास होता हुआ एक टनल ड्रॉ कर दिए हम लोग, एज्यूम कर लेते, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ टनल विच पासेस थ्रू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, एंड टचिंग द सेंटर। ऐसा, ठीक है, यहाँ पे एक टनल बना दिए, ठीक है, टनल आर पार ऐसा पूरे स्फेयर के अंदर हम लोग क्या बना दिए, एक टनल बना दिए, ठीक है। मान लेते ये स्फेयर जो होगा इसका रेडियस क्या होगा, लेट अस अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ स्फेयर बी आर, और इट इज गिवन, ठीक है, कि रेडियस कितना दिया हुआ है स्फेयर का, आर दिया हुआ है, क्लियर है चीज। रेडियस का स्फेयर कितना दिया हुआ है, आर, ठीक है, रेडियस का स्फेयर कितना दिया हुआ है, आर। स्फीयर का रेडियस एक्चुअली कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बोले ना, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल और मास एम को रिलीज करा गया, ठीक है, एकदम इस वाले एंड से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत थिक है, थिन है, ये वाला जो आपका रहा होगा टनल बहुत थिन टनल है, लोग एज्यूम करते हैं कि, ठीक है, इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ना आए, ठीक है, ध्यान दें अगर आप लोग। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, हम लोग माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या करा गया, रिलीज्ड करा गया, ठीक है। तो बताना है ये सेंटर पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी या सेंटर क्या रहा होगा, ठीक है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा होगा तो सेंटर पे वेलोसिटी कैसा रहा होगा, रिलीज कर रहे हैं, जरा सोचिए सबसे पहले, तो बाद में लोग सेंटर का वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये सोचिए कि ये चार्ज पार्टिकल किधर जाना चाह रहा होगा, आप लोग ये ध्यान से इस चीज़ को सोचिए कि जो चार्ज पार्टिकल होगा वो किधर जाना चाह रहा होगा, ठीक है, किधर जाना चाह रहा होगा भाई, ये चार्ज पार्टिकल इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है, टनल में जाएगा या टनल के अपोजिट साइड जाएगा, मीन्स ये मान लीजिए टनल है तो ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, ठीक है, इसको पहले फील कीजिए। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये स्फीयर अगर है, ठीक है, ये स्फीयर है तो इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, क्लियर है जी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा किधर रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स इससे बाहर निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम लोग फील करें इस चीज़ को तो आप लोगों को ये लगेगा ना कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकल रहा है, ऐसे, क्लियर है ये चीज, इस वाले डायरेक्शन में आउटवर्ड निकल रहा होगा, जरा सोचिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है, फील कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की ओर, तो ऑब्वियस बात है ये किधर जा रहा होगा, सेंटर की ओर जा रहा होगा, क्लियर है। तो सेंटर पे इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा ये निकालना, ठीक है। हम लोगों को एनर्जी कंजर्व करना आता है, ठीक है, एनर्जी कैसे कंजर्व करते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से हम लोग कुछ करते हैं एनर्जी को कंजर्व। अरे भाई तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है आर, तो क्या लिख सकते हैं माइनस के, इस पर चार्ज कितना है मान लेते हैं पूरा चार्ज क्यू है, ठीक है। तो के क्यू बाई कितना रहा होगा आर। क्लियर है ये चीज़? के क्यू बाई क्या रहा होगा आपका आर। आया बात समझ में? के क्यू बाई क्या रहा होगा यहाँ पे आर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। के क्यू बाई क्या रहा होगा आर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये माइनस क्यों लगा है यहाँ पे? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल क्या है माइनस, और हम लोग पता है पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी में जो हम लोग क्यू को पुट करते हैं विद साइन पुट करते हैं, बढ़िया बात है। अरे रिलीज करो तो यहाँ का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा? अगर आप लोग ढंग से याद करें और सोचे तो सॉलिड स्फीयर जो रहता था, सॉलिड स्फीयर जो रहता था एसएनसी रहता था, उसका जो पोटेंशियल आता था इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, और आर इज लेस देन आर के लिए, वो कुछ इस तरीके से आता था कि के क्यू बाई टू आर का क्यूब इन टू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ इसी तरीके से आता, ठीक है। जरा सोचिए फाइनल का मतलब ये कहाँ चल गया होगा? एकदम सेंटर में। सेंटर पे जाने का मतलब आर का वैल्यू किसको टेंड करा होगा? जीरो को। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे? अगर ढंग से सोचे तो ये जीरो को टेंड करा, ये आर स्क्वायर से एक आर गया, तो दिखेगा के क्यू बाई थ्री के क्यू बाई टू आर। क्लियर है चीज? थ्री के क्यू बाई टू आर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी एट सेंटर। बढ़िया बात है, अच्छा बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलो माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखेगा हाफ एम वेलोसिटी एट सेंटर का स्क्वायर इक्वल्स ये पोटेंशियल आता था तो, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका चार, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्लियर है? एक्चुअली इतना पोटेंशियल होता था तो पोटेंशियल एनर्जी के हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगा। क्लियर है? अगर हम लोग ढंग से सोचे ना, ढंग से सोचे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, उधर गया तो क्या हो गया प्लस, तो प्लस होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये कुछ हम लोग का ऐसा दिखेगा थ्री बाई टू के क्यू क्यू बाई टू आर माइनस के क्यू क्यू बाई आर, ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा। देखिए ये हाफ 1.5 है और ये एक है, तो 1.5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 0.5 बच रहा होगा। इट मीन्स के क्यू क्यू बाई टू आर बच रहा होगा। क्लियर है? और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए ये हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट होगा, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? के क्यू क्यू बाई एम आर का रूट। क्लियर है चीज? ये आ गया हमारा वेलोसिटी एट सेंटर, वेलोसिटी एट सेंटर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। के क्यू क्यू बाई एम आर, ठीक है। एक बार फिर से फील करवाते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ क्या? एक आपका एसएनसी दिया हुआ है, एसएनसी पे चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एसएनसी का रेडियस आर दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन में गिवन है। और बोला क्या कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को एम मास का रिलीज करा गया, छोड़ा गया, ठीक है। तो सेंटर पे वेलोसिटी कितना रहा होगा, ठीक है, ये सवाल में सारा गिवन था। लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले ये था कि ये हम लोग को फील करना है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर जा रहा होगा, ये सेंटर की ओर अप्रोच कर रहा होगा या अभी फ्रॉम द सेंटर जा रहा होगा, मतलब टनल में जा रहा होगा या टनल से दूर जा रहा होगा। तो हम लोग अगर ढंग से फील किए तो हम लोग को ये पता चला, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एसएनसी है। क्लियर है? अगर पॉजिटिवली चार्ज एसएनसी है तो ऑब्वियस सी बात है जो माइनस चार्ज पार्टिकल रहा होगा उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा होगा। मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो इस पे फोर्स अंदर लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये किधर जा रहा होगा? सेंटर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और हम लोग ध्यान से सोचे तो सेंटर पे अगर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है तो सेंटर पे वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या होता है? एनर्जी को हम लोग कंजर्व कर डाले, ठीक है, मींस कि इनिशियल सारा एनर्जी को लिख दे और फाइनल सारा एनर्जी को हम लोग लिख दे, ठीक है। तो इनिशियल सारा एनर्जी कितना रहा होगा? काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्म में रहा होगा बेसिकली, और फाइनल काइनेटिक फाइनल एनर्जी कितना रहा होगा? वो भी काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्म में रहा होगा। क्लियर है ये चीज? तो हम लोग ढंग से सोचे तो हम लोग को ये पता चला जो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस के क्यू बाई सॉरी के क्यू बाई क्या होता है आर होता है, वेयर हम लोग जो क्यू को पुट करते हैं वो विथ साइन पुट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही पुट किए तो ये आ गया कुछ, काइनेटिक एनर्जी रिलीज करा गया तो जीरो रहा होगा,
फाइनल आपका जो एनर्जी रहता है वो हम लोग देखे हुए, एसएनसी का जो फाइनल एनर्जी रहता है वो कितना होता है, के क्यू बाई टू आर का क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, क्लियर है ये चीज, ऐसा कुछ रहता है। तो वहाँ पे देखिए जैसा ही आर का वैल्यू जीरो पुट किए, क्योंकि फाइनली ये कहाँ चल गया था, सेंटर पे, तो आर का वैल्यू जीरो पुट किए तो ये मिला प्लस क्या रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी एट सेंटर का स्क्वायर। फर्दर उसको सॉल्व वॉल्व करने पे हम लोग को वेलोसिटी एट सेंटर मिल गया रूट ओवर के क्यू बाई एम आर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी में अगला सवाल क्या करा गया ना बताते हैं, इसको हटा दे पहले, ठीक है, आप लोग ट्राई करें पहले उस सवाल को फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखिएगा सही है या नहीं है। अब पार्टिकल है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ सवाल, ठीक है, सवाल ऐसा दिया हुआ है कि वही एक दिया हुआ है आपका स्फीयर एसएनसी है, ये एसएनसी है, ठीक है। अब हम क्या बोले ना, एसएनसी में एक टनल बना गया, बीचों बीच नहीं बनाया गया बस बनाया गया टनल, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। इस वाले का टनल का ये जो टनल है ना सेंटर, ये मान लेते सेंटर है, सेंटर से कितने दूरी पे बनाया गया टनल, आर बाई टू की दूरी पे बनाया गया, ठीक है, टनल कितने दूरी पे बनाया गया, आर बाई टू की दूरी पे बनाया गया, जबकि इसका सेंटर के ये जो रेडियस है स्फीयर का वो कितना दिया हुआ है आर, क्लियर है चीज, रेडियस कितना दिया हुआ है आर, ठीक है। सवाल ये है ना, फिर से हम लोग चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, मान लेते ये ए पॉइंट है, कितना चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, क्यू चार्ज पार्टिकल के एम मास को रिलीज कर, रिलीज नहीं कर रहे या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली क्यू चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी वी एट पॉइंट ए, ठीक है। तो फाइंड हम लोग को करना है ना कि कितना वी का वैल्यू, इस v का कितना वैल्यू हो, v का ही वैल्यू फाइंड करना है ना, हाँ v का ही हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है कि वो b तक रीच कर जाए, ठीक है, b तक पहुंच जाए। सवाल ये है फाइंड v मिनिमम सो डैट, फाइंड v मिनिमम सो डैट पार्टिकल पार्टिकल रिच बी, पार्टिकल रिच एट बी, क्लियर है चीज, पार्टिकल रिच एट बी, पार्टिकल कहाँ पहुँच जाए, बी वाले पॉइंट पे पहुँच जाए, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अगर हम लोग ढंग से सोचे क्वेश्चन किया बाद में, ठीक है, क्वेश्चन बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो क्यू चार्ज पार्टिकल है क्या वो खुद से इधर जा सकता है या नहीं जा सकता, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को फील करें। तो आप लोगों को ये फील आएगा कि जो चार्ज, जो स्फीयर या एसेंसी है, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज एसेंसी है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज एसेंसी है तो यहाँ से जो रहा होगा आपका इस स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा बाहर निकल रहा होगा, ऑब्वियस बात है, जैसा कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हो रहा था, ठीक है। और हम लोग ढंग से सोचे तो यहाँ क्यू चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, ठीक है, अगर क्यू चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो और हम लोग इस चीज़ को डीपली सोचे तो इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इधर लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लग रहा होगा, ठीक है, क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहा होगा तो, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ऑब्वियस बात है जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा, क्लियर है चीज, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, बढ़िया बात है, यहाँ से समझ में आ रहा है। तो जरा सोचिए जैसे हम लोग यहाँ v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, अब अगर हम बोले यहाँ से रिलीज करते तो ये यहाँ तक जाता क्या, तो कबू ना जाता, ठीक है, अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये कभी भी नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है भाई, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको रिलीज करा जाएगा तो ये इधर कहाँ का वेलोसिटी अचीव करेगा, ये तो उधर का वेलोसिटी अचीव करेगा, सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ से प्रोजेक्ट करा गया v वेलोसिटी, ठीक है, तो सवाल यही है, सवाल हमारा क्या है ना, सवाल ये है कि ए पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि वो पार्टिकल बी तक चल जाए, क्लियर है, ए पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि पार्टिकल कहाँ तक चल जाए, बी तक चला जाए, ए पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि पार्टिकल कहाँ तक चला जाए, बी तक चला जाए, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, बताते हैं हम लोग, हम इस वाले पॉइंट को सी बोल दे रहे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को सी बोल दे रहे, यहाँ जो पॉइंट होगा उसको क्या बोल दिए, सी बोल दिए, ठीक है। तो अगर आप लोग ढंग से सोचें तो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग को चाहिए ना, अगर हम बोले मिनिमम वेलोसिटी से कम रहा, ठीक है,
मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा सा वैल्यू क्या है मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कम है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस वी का वैल्यू कुछ कम रहा, ठीक है, कुछ कम रहा, तो चांसेस है ये बी तक ना पहुंच पाए, इसका वेलोसिटी यहीं जीरो हो, फिर ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ढकेल के इधर कर दे। मतलब कम से कम इसको इतना वेलोसिटी चाहिए कि यहाँ तक पहुँचे, कम से कम बोल रहे, ठीक है। ज़्यादा वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा देंगे तो ले कपाच पार खत्म आया बस, मिनिमम बेसिकली इस वी का मिनिमम वैल्यू क्या हो कि यहाँ तक पहुँचे। अब मिनिमम से कम रहने पे क्या कंडीशन होगा हम थोड़ा सा फील करवाते हैं, ये क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व कर ही लेंगे। मिनिमम से अगर कम रहता तो क्या होगा, पहले ये फील करवाते हैं। अगर हम बोल दिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, एज्यूम कर लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए वी का जो मिनिमम वैल्यू चाहिए, एज्यूम कर लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड चाहिए मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड चाहिए होगा और हम बोले वी का जो वैल्यू है, v का जो वैल्यू है वो आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड, तो जरा सोचिए वहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं होगा क्या, 2 मीटर में यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच रहा है तो चांसेस ये है अगर 1.5 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी रहे तो इसका वेलोसिटी कहीं इधर ही जीरो हो जाएगा, क्लियर है, b तक पहुँचने से पहले ही जीरो हो जाएगा और इस पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इधर लगेगा तो ये ढकेल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ कभी b तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको कुछ इतना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि b तक पहुँच जाए, ठीक है। तो और हम लोग इस चीज़ को डीपली सोचिए तो समझ में आएगा कि हम लोगों को चार्ज पार्टिकल जो क्यू है ना, इसको बस सी तक पहुंचाना है, किसी तरीके से सी तक पहुंच जाएगा तो वो बस बी पर पहुंच जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। किसी तरीके से इतना वेलोसिटी हम लोग चार्ज पार्टिकल को दे दे कि वो कहाँ तक पहुंच जाए, सी तक पहुंच जाए, तो वो खुद ब खुद निकल के कहाँ तक पहुंच जाएगा, बी तक पहुंच जाएगा। कैसे फील कीजिए, अगर हम लोग इधर का वेलोसिटी यहाँ से दिए, एकदम इधर से हल्का पार हो गया यहाँ पे मान लीजिए आगे चार्ज पार्टिकल क्यों चार्ज पार्टिकल एज्यूम कर लेते यहाँ पे पहुंच गया, तो जरा सोचिए जैसे यहाँ पे पहुंचा होगा तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है। एक्चुअली अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये सेंटर के ऊपर है सी पॉइंट, अगर क्यू चार्ज पार्टिकल इसके इधर रहता तो इस पर फोर्स इधर लग रहा था, लेकिन जैसे ही क्यू चार्ज पार्टिकल इसके इधर आ गया तो अब फोर्स किधर लगना स्टार्ट होगा, इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर से बाहर निकल रहा होगा ना भाई, तो इधर फोर्स लग रहा होगा, तो अब ये खुद ब खुद इधर आ जाएगा, हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि चार्ज पार्टिकल को कम से कम इतना वेलोसिटी दिया जाए कि वो पॉइंट सी पे पहुंच जाए, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को कम से कम इतना वेलोसिटी दिया जाए कि वो सी पॉइंट पे पहुंच जाए, तो खुद ब खुद वो ट्रेवल करके कहां पहुंच जाएगा, फर्दर बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बी पॉइंट सी से भी हम लोगों को कोई कार्य करने का जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को कहां तक पहुंचाना है, उसको सी तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को सी तक पहुंचाना है, सी तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर एनर्जी को कंजर्व करते हैं, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, ठीक है। अब हम क्या बोले, वी का कम से कम कितना वैल्यू दे कि ये सी तक पहुंच जाए, मतलब वी का वैल्यू दिया 80 बस पहुंच गया सी पे, क्लियर है ये चीज, यहाँ से वैल्यू दिया बस पहुंचा यहाँ पर, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए जीरो, जैसे यहाँ वेलोसिटी जीरो होगा, जैसे यहाँ वेलोसिटी जीरो होगा, जैसे यहाँ वेलोसिटी जीरो होगा, कम से कम वैल्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हुआ, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इससे वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, तो कम हुआ 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 जीरो, फिर हल्का सा घसक गया एकदम ट्विंग और हल्का सा घसका तो इस पर फोर्स इधर लगा और तो इधर चल गया, ठीक है। तो मतलब जो सी पॉइंट का वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो ही होना चाहिए तो जाके ये पहुंच जाएगा, तो बस सी तक पहुंचाना है किसी तरीके से, तो ऑब्वियस बात है सी का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो भाई अब लिखना स्टार्ट करते हैं, यू इनिशियल, इनिशियल कितना रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो के क्यू क्यू बाई आर, ऑब्वियस बात है आर होगा, ठीक है, आर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, ये आर के दूरी पे ही तो है जी, देखिए ध्यान से, क्लियर है जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इतना होगा, बढ़िया बात, अच्छा बात है, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, क्लियर है चीज, इक्वल्स टू मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा भाई, अरे हम लोग सबसे सोचे तो ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम लोग कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाला जाता है तुम्हारा आपका के क्यू क्यू बाई टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, क्लियर है। और एनर्जी है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, जहाँ पे आर कितना दूरी है, स्मॉल आर का वैल्यू देखिए आर बाई टू दिया हुआ, ठीक है, वेयर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर बाई टू, वेयर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर बाई टू, तो स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, आर बाई टू का क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये दिखेगा हम लोग को के क्यू क्यू बाई आर प्लस हाफ
एमवी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू, ये हो जाएगा चार। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये कितना हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ठीक है। चार तिहाई हो जाएगा तो आपका बारह, बारह में से एक किया तो बच जाएगा यहाँ पे ग्यारह, ग्यारह बटे चार मतलब इलेवन आर स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। क्लियर है चीज, इलेवन आर स्क्वायर बाई कितना आ जाना, फोर, ये फोर होगा ना, और ये टू पहले से, ये टू पहले से, तो ये कितना आ जाएगा एट, ठीक है, ये कितना आ जाएगा एट। तो अगर ढंग से हम लोग सोचे तो ये आर स्क्वायर से आर क्यूब गया और ये आठ हो जा रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस। तो हम लोग को देखेगा हाफ एम वी एट मिनिमम का स्क्वायर इक्वल्स, ये हो जाएगा आपका के क्यू क्यू इलेवन बाई एट आर माइनस के क्यू क्यू बाई आर। क्लियर है, एलसीएम अगर इस चीज़ का ले, एलसीएम इस चीज़ का ले तो यहाँ पे हो जाएगा आठ, ग्यारह में से आठ जाएगा तो कितना बचेगा तीन, तीन बाय आर, ठीक है, तीन बाय कितना आ जाएगा तीन बाय आर। क्लियर है, अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये आ जाएगा आपका थ्री के क्यू क्यू बाई एट आर, यहाँ पे हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, वी मिनिमम का स्क्वायर ये एक बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा, चार बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दिखेगा, यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं कि जो वी मिनिमम आएगा, वी मिनिमम आएगा ये आ जाएगा ओवर रूट थ्री के क्यू क्यू बाई थ्री के क्यू बाई एम आर, ठीक है, थ्री के क्यू बाई एम आर, थ्री के क्यू बाई एम आर, फोर एम आर, फोर एम आर, ठीक है, थ्री के क्यू बाई फोर एम आर। क्या ये क्लियर है, मेरे हिसाब से होना चाहिए आप लोगों को क्लियर, ठीक है। बहुत ही डीपली हम इस चीज़ को समझाए, हर एक पॉइंट को फील करवा के, ठीक है। नहीं अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट करें, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक इस चीज़ को उतारे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। इस वाली चीज़ को आप लोग नोट करें, देखें अगला सवाल क्या पूछा गया और इसको कैसे रिलेट करा गया ऐसे चिंबक वगैरह, ठीक है, ध्यान दे इधर। सवाल कुछ इस तरीके से था कि भाई एसएनसी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एसएनसी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव दे नेगेटिव दे हम लोगों को मतलब नहीं है, ठीक है, जैसा देगा हम लोगों को फील करना है कि बस चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण किधर मूव करेगा, फील आ जाएगा आप लोगों को, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा पॉजिटिव तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये रेडियस आर है, ठीक है। अब क्या बोला ना, यहाँ सेंटर पे चार्ज कितना था, माइनस क्यू चार्ज था, मास जिसका कितना दिया हुआ एम दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ एम, ठीक है। सवाल हमारा ये है, इफ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल इज स्लाइटली स्लाइटली डिस्प्लेस along the tunnel, along the tunnel, then find out the time period of oscillation, then find out the time period of oscillation, ठीक है। अब हम लोग जरा से सोचिए, ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो पहले बात का बात है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब ये कहाँ पे हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो, ठीक है। तो अगर आप लोग ढंग से इस चीज़ को फील करें तो आप लोगों को ये फील आया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड करते थे, चार्ज पार्टिकल को हल्का से डिस्प्लेस करवाते थे और देखते थे जो फोर्स है उस पर टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लग रहा है या अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन लग रहा है, ठीक है। अगर मेन पोजीशन की ओर फोर्स लग रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूर लग रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो बढ़िया बात, अच्छा बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को फील करें, ध्यान दें, ठीक है।
कि अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो बाहर होगा, तो माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा ऑब्वियस बात है सेंटर की ओर लग रहा हुआ। देखिए ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा हुआ, ठीक है। कैसे, मान लेते इस क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ से कितना डिस्प्लेस करवा रहे हैं हम लोग, एक्स डिस्प्लेस करवा रहे हैं, यहाँ पे ले आ रहे हैं, क्लियर है चीज, माइनस क्यू चार्ज एम मास, क्लियर है। तो इस पर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किधर लग रहा हुआ, इधर सेंटर की ओर लग रहा है, मतलब ये कहाँ है भाई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोगों को ये चीज फील हुआ, जो क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि मेन पोजीशन की ओर फोर्स लग रहा है एक्स डिस्प्लेस करवाने पे, जो कि एक्स क्या रहा होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस करवा रहे, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा भाई, हम लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द एसएनसी वो कितना होता है, वो होता है कुछ आपका के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, इतना ही कुछ होता है, के क्यू स्मॉल आर इंटू आर का क्यूब, ठीक है। स्मॉल आर क्या होता है, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इतने दूर पे फोर्स क्या लग रहा होगा, एक्स की दूरी पे हम लोग ये देखते हैं, तो एक्स की दूरी पे फोर्स कितना लग रहा है, हम लोग यहाँ आर का वैल्यू कितना डाल देंगे, बस एक्स डाल देंगे, क्लियर है ये चीज़। तो जो फोर्स आ रहा होगा, जो फोर्स आ रहा होगा आप लोग फील करें इस चीज़ को, जो फोर्स आ रहा होगा, तो फोर्स कितना आ रहा होगा भाई, फोर्स आ रहा होगा हमारा के क्यू एक्स बाय आर का क्यूब डॉट, देखिए माइनस क्यू के कारण लग रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, उधर लग रहा है, तो मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखिए यहाँ ध्यान से, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर मान रहे हैं पॉजिटिव, तो फोर्स उधर लग रहा होगा, इसीलिए हम लोग क्या पुट किए, नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर माने, पॉजिटिव माने, ये वाला चीज़ जो है पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ध्यान से सोचिए, सेंटर से तो एक्स इधर ले रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही रहा होगा। तो अगर हम लोग फोर्स का बात करें तो फोर्स ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये एक्स अगर फोर्स का बात करें तो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसीलिए साइन यहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस का पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस चीज को फील करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय आर का क्यूब इंटू क्यू इंटू एक्स, क्लियर है। ये पूरा क्या बन जाएगा, देखिए तो पूरा के बन जाएगा, इसको रिलेट कर सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू माइनस के डैश एक्स से, एस एच एम का इक्वेशन जहाँ के डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। के डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले से के मौजूद है, टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई ओवर रूट एम बाई के, दैट इज एम, एम कितना है यहाँ पे स्मॉल एम डिवाइडेड बाई के, कितना दिया हुआ है आपका, के दिया हुआ है हमारा के क्यू क्यू बाई आर क्यूब ना, तो आर का यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्यूब आ जाएगा, क्लियर है चीज, एम आर क्यू बाई के क्यू क्यूब, ये आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड, क्लियर है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे टाइम पीरियड हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वाले को पूरे को आप लोग नोट करें, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे कि और हम लोग इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं, ठीक है। तब तक इस चीज़ को नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। देखिए इस पे अगला सवाल क्या बन सकता है और कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक याद होगा सवाल आप लोगों को कि किसी चार्ज पार्टिकल को, माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल को हम लोग सेंटर से छोड़ते थे, ठीक है। पार्टिकल को कहाँ से, सेंटर बोल रहे, सॉरी, इस वाले एंड से छोड़ते थे माइनस क्यू चार्ज एम को, तो उसका यहाँ पे वेलोसिटी निकालना रहता था, वेलोसिटी या सेंटर पे यहाँ पे क्या करा जाता था, रिलीज, अभी कुछ देर पहले हम लोग सीखे थे, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ क्या था, टू पाई ओवर रूट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू, ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए उस वाले क्वेश्चन को कैसे यहाँ सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा कोई, देखिए शॉर्टकट बेसिकली यहाँ से निकल जाता है टाइम पीरियड से, ठीक है। शॉर्टकट क्या निकल के आता है ना, अगर आप लोग ढंग से सोचिए इस चीज़ को, तो बेसिकली हम लोगों को पता है t इज इक्वल्स होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो इस वाले चीज़ को कंपेयर करें तो ओमेगा का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना आ रहा होगा, ओवर रूट के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू, क्लियर है चीज, यहाँ यहाँ से इक्वेट करने पे, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू ये आ रहा है, इसको इक्वेट किए 1 2 को, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकल गया, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम लोगों को पता है जो वेलोसिटी एट सेंटर रहा होगा वो कितना रहा होगा, ओमेगा इंटू आर, ठीक है। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है, क्या हम लोगों को पता है, हाँ पता है, ओमेगा क्या आया है, ध्यान दीजिए, तो ओवर रूट के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू इंटू क्या रहा होगा, आर, आर अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी एट सेंटर ओवर रूट के क्यू क्यू, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का था, ठीक है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, इंटू आर स्क्वायर होगा, देखिए ये कटेगा, देखिए आगे वही चीज़ आंसर, वेलोसिटी एट सेंटर कितना आता था, के क्यू क्यू बाई एम आर, देखिए कितना इजीली बन गया, अगर टाइम पीरियड हम लोगों को पता है तो, ठीक है। तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को हर टाइम याद ये होना चाहिए,
टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों को हर टाइम ये याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2π/√mr³/kqq, क्लियर है। जहाँ कैपिटल क्यू क्या होता है, चार्ज ऑफ द स्फीयर, एंड स्मॉल क्यू इज द चार्ज पार्टिकल विच इज रिलीज फ्रॉम द सेंटर और डिस्प्लेस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगर टनल बीचों बीच ना होके कहीं इधर उधर हो तो, अगर टनल बीचों बीच ना होके कहीं इधर उधर हो तो जाके टाइम पीरियड क्या वही आएगा या कुछ और आएगा। चलिए इसे हम लोग समझते हैं भाई, टाइम पीरियड वही आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं इस वाले चीज़ को, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को फील करें तो टनल कुछ ऊपर बना के हम लोग देख लेते, चेक कर लेते वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, या कुछ और आना चाहिए। आप लोगों को ग्रेविटेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चंस करवाया गया था और आप लोगों को याद होगा कि टनल हम लोग कहीं से बनाए तो टाइम पीरियड कुछ कुछ आता था, देख लेते क्या आता है, ऐसा कुछ है। क्लियर है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से रिलीज करा गया ऐसे, ये मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। डी डिस्टेंस से चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, रेडियस स्फीयर का क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, चार्ज कितना है माइनस क्यू और एम चार्ज को रिलीज करा गया, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज जिसका मास क्या रहा होगा, एम को रिलीज कर रहे, ठीक है। तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में पता है कैसे जाता है, इसको एक्स डिस्टेंस क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे माइनस क्यू चार्ज एम को, ठीक है। मान लेते ना एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किए तो यहाँ से एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ है, थीटा, ठीक। तो जरा सोचिए इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर की ओर लग रहा होगा फोर्स, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बेसिकली ये सारा फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। पिछले वाला भी जो सवाल था वो भी हमारा फ्रिक्शनलेस था, जितना भी सवाल कर रहे हैं हम लोग फ्रिक्शनलेस टाइप का ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर से वो ऐसे हो रहा होगा खपाच, क्लियर है चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो रहा होगा ई। तो माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ये एक्स है, ये डी है, ये एंगल थीटा है, और कितना फोर्स लग रहा होगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, आर का क्यूब ऐसे ही कुछ, क्या के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर का क्यूब ऐसे ही कुछ लग रहा होगा। जरा सोचिए इस चीज़ को, फील कीजिए इस चीज़ को, जो फोर्स आ रहा होगा वो कुछ ऐसा ही आ रहा होगा या कुछ और आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान दें, मान लेते नहीं ये वाला डिस्टेंस क्या स्मॉल आ रहा है, ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, तो जो फोर्स लग रहा होगा इतने की दूरी पे कितना लग रहा होगा, इनटू स्मॉल आर, इनटू स्मॉल आर, ऐसा ही कुछ ना, क्योंकि सेंटर से दूरी कितना हो गया इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली सेंटर से दूरी कुछ ऐसा हो रहा ना, पिछले वाले में ऐसे घसक रहा था, देखिए इस वाले में सेंटर से दूरी ये आर आ जा रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, के क्यू स्मॉल आर बाई आर का क्यूब, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर लिख दे रहे हैं, के क्यू स्मॉल आर बाई आर का क्यूब, ठीक है। तो जो फोर्स और लग रहा होगा वो इधर की ओर लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस के क्यू क्यू स्मॉल आर बाई आर का क्यूब, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम लोग साइन माइनस का पुट कर रहे हैं, क्लियर है जी। अब इसका ये वाला कॉम्पोनेंट का हम लोगों को फोर्स दिखना है, क्योंकि पार्टिकल जो डिस्प्लेस कर रहा होगा और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इधर लग रहा होगा, तब तो ये सेंटर की ओर जाना चाहेगा, ये मीन पोजीशन की ओर जाना चाहेगा, इसी का मीन पोजीशन तो ये है, यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस करवा रहे हैं, ये चार पार्टिकल क्यों था एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करवा रहे, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा हमारा, अगर ढंग से सोचे तो देखिए ये एंगल थीटा है ना, थीटा है ना, तो इसका ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर्स लग रहा होगा सेंटर की ओर या मेन पोजीशन की ओर वो कितना लग रहा होगा, माइनस के क्यू क्यू बाय आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो साइन थीटा का वैल्यू पुट करने पर हम लोगों को दिखेगा यहाँ पे कि साइन थीटा ना ये डिस्टेंस आर था, ये डिस्टेंस आर था, ये डिस्टेंस एक्स था, ये डिस्टेंस डी था, ठीक है। तो होता क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इतना क्या दिया हुआ है एक्स, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एक्स बाय क्या हो जाएगा आर, एक्स बाय क्या हो जाएगा आर, आर आर कैंसिल आउट हुआ, तो देखिए जो फोर्स आ रहा होगा वो माइनस के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू क्यू इंटू एक्स आ रहा होगा। देखिए पिछले वाला ये चीज़ आ गया, ये पूरा क्या रहा होगा की डैश, अगर ये पूरा की डैश रहा होगा तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड जो रहेगा वो 2π/√m बाई की डैश, बेयर की डैश क्या रहा होगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू आ गया। टाइम पीरियड में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम पीरियड उतना ही आ रहा है हर बार, क्लियर है, टाइम पीरियड हमेशा उतना ही आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से क्या सीखने को मिला हम लोगों को कि अगर टनल किसी भी शेप का कहीं से भी बना दिया जाए तो जो टाइम पीरियड है वो हमेशा और हमेशा टाइम पीरियड क्या आएगा, एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू। क्लियर है ये चीज़? यही हम लोग याद कीजिए, हम लोग कहाँ पे देखे थे, ग्रेविटेशन में भी। अगर हम बोले टनल इसमें ऐसे बना दिया जाए तो ज़रा सोचिए क्या आएगा, आप लोग खुद बता सकते हैं इस सवाल को इतना प्रैक्टिस अगर कर चुके हैं तो। ठीक है, कोई झमेला नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, टनल कहीं भी बना दिया जाए, ठीक है, टनल कहीं भी बना दिया जाए, टनल कहीं भी बना दिया जाए, ठीक है, टनल कहीं भी बना दिया जाए, जो टनल अगर हम लोग ऐसे बना दिए, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा सेंटर पे नहीं बना रहे, यहाँ से डी की दूरी पे बना रहे। क्लियर है चीज? यहाँ से डी की दूरी पे माइनस क्यू चार्ज एम रखा हुआ है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक्स रिलीज हुआ और ये आर रहा होगा, ठीक है, तो टाइम पीरियड बताइए कितना रहा होगा। टाइम पीरियड वही आएगा, वो चेंज नहीं करेगा। टी इज इक्वल्स टू 2π रूट ओवर एम आर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू के क्यू क्यू के क्यू क्यू। क्लियर है चीज? टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा। तो बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टनल किसी भी प्रकार का बनाया जाए, जो टाइम पीरियड आता है हमेशा हमेशा जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा हमारा, 2π रूट ओवर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू। क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ये हमेशा सोते जागते एनी टाइम याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर सवाल बनते हैं। तो अब सवाल बनेंगे, क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को, तो बार बार हम लोग वहाँ पे जाके क्या निकाल, ये जो आपका टाइम पीरियड वो निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है, फिर पता चला टाइम पीरियड निकाल रहे ले कुछ और किए हम लोग वहाँ पे, ठीक है, टाइम खराब होगा आप लोगों का। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों का बनना है आपका पाँच, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का बनना है 30 सेकेंड में, वो आपका खा जाएगा 1.5 मिनट। क्लियर है ये चीज़? 1 से 1.5 मिनट का आएगा, ठीक है। तो बस रहते आप लोगों को जो ये फॉर्मेट है टाइम पीरियड का, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैविटी प्रॉब्लम्स, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैविटी प्रॉब्लम्स हम लोगों के लिए, ठीक है, और आगे जो पढ़ना है उसके लिए बेसिकली, मतलब कि उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। आप लोगों को जितना भी कैविटी प्रॉब्लम्स है हर का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तब तक आप लोग इस टनल प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करें, देखें, ठीक है, समझे इस चीज़ को, मेनली समझे, ठीक है, फिर हम लोग कैविटी प्रॉब्लम्स में बढ़ेंगे आगे।